हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं डेड बाय डेलाइट। और इसमें देख सकते हो चार कैरेक्टर होते हैं, पबजी जैसा ही है। पबजी में चार प्लेयर होते हैं, इसमें भी चार प्लेयर वैसे ही होते हैं। और ये हमें स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंदर मैंने पहला रोल ये लेडी का लिया है, वरना इंसान और वो शैतान सा जो भी होता है। तो पहले हम इंसान वाले में खेल रहे हैं। और देखो हम किस तरह से यहाँ से बाहर निकलना होता है इस वाले गेम में। और उसके लिए कुछ मशीनें स्टार्ट करनी पड़ती है। तो पहली मशीन ये रही और इसे रिपेयर करना होता है, तो हम इसे रिपेयर करते हैं। मशीन रिपेयर हो ही रही है और इसको थोड़ा टाइम लगता है रिपेयर होने में। और यहाँ पे कुछ साइंस से भी आ रहे हैं ये देखो। और ये फट गया, ये बिल्कुल सफ़ेद वाले पॉइंट पर ला के हमें रोकना होता है, तब ये रुकी रहती है। और ये मैंने दोबारा से गलती कर दी और वो सफ़ेद से बाहर निकल चुका था, वो काटा जो भी आ रहा था, तो इस वजह से वो फट गई मशीन। लेकिन दोबारा से रिपेयर करना होगा हमें फटाफट। और एक मशीन, यहाँ बहुत सारी मशीनें होती हैं। और ये इस बार हमने थोड़ा सा सही किया, इससे कम पॉइंट मिले, लेकिन हम मशीन फटने से बच गई। और देखते हमें आगे क्या करना होगा। और ये मशीन रिपेयर धीरे धीरे हो ही रही है, वो देखो नीचे धीरे धीरे उसका पावर सी बढ़ रही है। और पीछे देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। इस वाले मैच में वो मेरे को दिखा नहीं जो भी राक्षस होता है। इसके अंदर चार बंदे रहेंगे, मतलब चार प्लेयर रहेंगे और एक वो डेवल रहेगा, तो हमें उससे बचना होता है। और वो हमें मार के किसी कीलदार में ऐसे टांग देता है कपड़ों की तरह। और ये दोबारा से फट गया और मैं भागने की लगा, वो मेरे को आवाज़ सी आई थी उसकी, कोई आ रहा है। तो इधर मेरा प्लेयर ही आ रहा है, मतलब मेरा फ्रेंड ही है। इसमें चार फ्रेंड होते हैं, जिसमें से एक ये फ्रेंड है जो कि मदद करने के लिए आ रखा है। तो इसकी मदद लेते हैं और फटाफट मशीन को रिपेयर करते हैं। और इस बार मैंने काफ़ी सही किया, 150 पॉइंट। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। और हम बिल्कुल इसके ठीक पीछे हैं ताकि हमें मशीन का पता चले। इसमें पांच मशीनें ठीक करनी होती है। और ये मेरा पता नहीं, शायद भागने के कारण ऐसा ये दिल जैसा साइन आया था मेरे बॉडी के अंदर। तो हम इधर से टाप के चलते हैं उस साइड। टाप के इस साइड आ चुके हैं और ये मशीन रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रही। मतलब मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर, ये देखो ये कंकाल के साथ क्या कर रहा है। मतलब सारी मशीनें इसमें होती है, सारी रिपेयर करनी नहीं होती, सिर्फ पांच करनी होती है जो जो उसमें साइन दिया जाएगा। और कुछ और भी वो जार टाइप होते हैं शायद, उन्हें भी करना होता है। तो ये इस साइड मशीन रिपेयर हो रही है, तो हमें जाना है उस साइड। और यहाँ मशीन ठीक करने आया, और यहाँ से पहले से हमारा एक फ्रेंड यहीं पर काम कर रहा है इस मशीन के ऊपर, तो इसकी मदद करते हैं और फटाफट यहाँ से स्केप करके बाहर निकल लेंगे। और यहाँ हमारा एक फ्रेंड शायद ऑफलाइन था, शायद इस वजह से किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि वो शुरुआत से ही ऐसा दिखा रहा था, तो मतलब वो ऑफलाइन हो गया था, वरना हम उसकी हेल्प करने तो ज़रूर जाते। और यहाँ पे बस फटते फटते मशीन रह गई। तो उसने एक और मशीन फाड़ दिया। चलो बच गए, हमने हमसे तो कम से कम मशीन नहीं फटी। और लो कहते ही फट गई। और ये गेम की ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे एक बार खेल के ट्राई ज़रूर करना। और ये मशीन यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है, और एक मशीन और बची जिसे हमें रिपेयर करना है, और फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो देखते हैं कि वो मशीन रिपेयर हो पाएगी या नहीं। वैसे उस साइड साइन आ रहा है ये रिपेयर का। और ये रही है मशीन, और इसे फटाफट, ओ कोई आया है, रेड रेड साइन आ रहा है। वो मतलब किसी ने पांचों मशीन कर दी एक्टिवेट, मतलब और दो फ्रेंड थे वो भी काम पे। और ये देखो फ्रेंड्स, हम तीनों यहीं पे हैं। और यहाँ से स्केप करेंगे और दूसरे कैरेक्टर में हम डेवल बनेंगे, और डेवल बन के देखते हैं इनको कैसा चकमा देते हैं। और इसमें हमेशा मैप चेंज होता रहता है, मतलब कभी ज़्यादा घास फूस आ जाती है, कभी कम घासें रहती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घासों में तो कुछ दिखता ही नहीं है। और देखो फ्रेंड्स, ये रहा रास्ता निकल चुका है। और अगर मान लो यहाँ से डेवल आएगा, तो यहाँ पे कुछ कांटे टाइप होते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, लेकिन वो आ नहीं रहा है। और यहाँ से कांटे टाइप होते हैं, जिससे डेवल के आते ही वो कांटे आ जाते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डेवल के रूप में आ चुके हैं यहाँ पे। और देखो फ्रेंड्स, और ये कुछ ज़्यादा ही घास फूस वाला एरिया मिल गया, और ये मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी। तो देखो इस घास फूस के एरिया में वो आराम से छुप सकते हैं, इसीलिए मैं ये चेक करता हूँ ड्रोर, इसमें तो कोई है नहीं। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और फटाफट चेक करते हैं कहाँ पर कौन है। और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा डेवल का उतना सिस्टम। उन्होंने चार मशीनें शायद ऑन कर ली, एक मशीनें सिर्फ बची हुई है, तो मशीन को तोड़ते हैं फटाफट, डैमेज दे देते हैं ताकि वो उसे वापस रिपेयर करने के लिए आए। और यहाँ कुछ मेरा रिकॉर्डर मेरा साथ नहीं दे रहा, बार बार बंद हो जा रहा था, तो इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। वो सब छोड़ो, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब वीडियो देखिए काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक भी काफ़ी तगड़ी है। और ये जो घास फूस है ना, काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं क्योंकि इसमें बंदे दिख नहीं पा रहे, और वो भागने में इतनी तेज़ होते हैं ना। आपने देख ही लिया होगा जब मैं इंसान का रोल प्ले कर रहा था तब कितनी तेज़ भाग रहा था, और ये डेवल उतनी तेज़ नहीं भाग रहा। आप समझा कि वो डेवल आ क्यों नहीं पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला होगा कौन सा बंदा किधर है। लेकिन हम तो ढूंढ के रहेंगे, किसी न किसी को तो मारेंगे ही मारेंगे। तो देखते हैं कोई हमारे चपेटे में आता है तो ठीक है। और इधर आ गए हम, मैं तलवार इस मशीन पे चला रहा था ताकि ये अच्छे से टूट जाए। अब ये एक मशीन बची है, आई होप कोई मुझे को मिल जाए। वो मुझे लगा यहाँ पे कोई बैठ रखा है, लेकिन ये मशरूम थे। और ये मशीन अभी भी कोई चला के गया है, मतलब वो इनको पता क्या चल जाता है कि मैं आ गया, और उन्होंने एग्जिट ऑन कर दिया। अब लगता नहीं कि मैं किसी को पकड़ पाऊँगा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, कोई तो मिल जा भाई। यहाँ पे मैंने ट्रैप भी बिछा रखे थे, उसमें भी कोई नहीं मिला। और मैं उसके पार नहीं जाता हूँ।